बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम पाकिस्तान, बिलखुसूस कराची, क्योंकि आज हम बात करने लगे हैं कराची के दरीना मसले पर, जो कि है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक को बहुत सारे अलकाबाद से भी पुकारा जाता है, लेकिन हम के इलेक्ट्रिक पे ही बात करेंगे। के इलेक्ट्रिक 18 साल पहले प्राइवेटाइज हो चुका था, और प्राइवेटाइज होने के बाद के इलेक्ट्रिक में सिर्फ कस्टमर सर्विस में फोन उठाने वाले बंदे के जवाब देने के अलावा और कोई सर्विस मुतारिफ नहीं कराई, ना कोई पावर जनरेशन हुई और ना गरीब आवाम को कोई प्रॉपर रिलीफ मिला इन टर्म्स ऑफ सस्ती बिजली। तो उस पर आज हम बात करेंगे। बिजली जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है आज के दौर में, वो कराची के आवाम को प्रॉपरली नहीं मिल रही है। इलाकों में लोड शेडिंग भी हो रही है, जिसमें ऐलानिया लोड शेडिंग है, जिसमें गैर ऐलानिया लोड शेडिंग है, और इस लोड शेडिंग के बावजूद भी बिजली के बिल जो है वो छप्पर फाड़ दिया जा रहा है। ठीक है, आज की तारीख में जो नॉर्मल एक रूटीन बिल है किसी भी एक दो कमरे के घर का, वो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपए का है, बगैर एसी। इसकी क्या वजह है, इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि फैजान भाई से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वो जो आवाम के एक्चुअल मसाइल हैं उस पर जरा से रोशनी डाल दें कि आवाम किस लेवल पे के इलेक्ट्रिक से तंग है। फैजान भाई, सर, आवाम के इलेक्ट्रिक को आपने जैसे कहा कि अलगाबाद से नवाजा जा रहा है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक जो है वो आवाम के इलेक्ट्रिक से तंग है। देखिए, इस वक्त बेसिक नेसेसिटीज़ की जहां हम बात करते हैं कि जी पानी वो हमारे कराची में नहीं है, बिजली वो कराची में नहीं, सुई गैस वो कराची में नहीं, मतलब कराची आपका जो है वो हब है, फाइनेंशियल हब कहलाता है। कराची किसी ज़माने में दारुल खिलाफा था, लेकिन कराची आपका इतना रेवेन्यू जनरेटेड सिटी है जो कि पूरे मुल्क का जो है वो चला रहा है। बिल्कुल, वो फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल बड़ा शहर है, वहां पर इंडस्ट्रीज हैं और वहां इलेक्ट्रिक नहीं है, यानी वहां पर आपकी जो एनर्जी है वहाँ लैक ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी ही नहीं होगी तो आप क्या समझते कि वहाँ क्या प्रोडक्शन होगी, आप क्या समझते कि वहाँ क्या डोमेस्टिक मसाइल होंगे। लोग वैसे ही इतना परेशान है, इतना तेज जो है, अगर आप देखें तो फास्टेस्ट सिटीज में इसका शुमार होता है, और वहाँ पर एनर्जी लॉस, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं है, अब सुबह स्कूल कैसे जाएं, ये छोटे छोटे मसले हैं जो कि लोग परेशान हैं। और आपने बिल्स देखे, लाइट भी नहीं है, बिल्स भी हैं, भरपूर बिलिंग हो रही है, लाइट है नहीं। तो सर यहाँ अब एक 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 घर के अंदर सर 150 से 200 यूनिट्स तो जलते ही जलते हैं ना। आप शायद वहाँ पर पंखे चलेंगे, इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है, आपको बताए कि अब अगर एक गरीब आदमी पंखा भी ना चलाए तो फिर तो उसको इलेक्ट्रिक लेने का फायदा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह से ये कि इलेक्ट्रिक 18 साल से प्राइवेटाइज हो चुका, कोई हुकूमत आई और गई, कोई भी हुकूमत जो है वो के इलेक्ट्रिक की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं कर रही, खासतौर पर नेप्रा जो कि कौमी इदारा है पावर रेगुलेट करने का, वो पावर रेगुलेटिंग जो अथॉरिटी है वो भी कुछ नहीं कर पा रही के इलेक्ट्रिक सामने, तो क्या वजह क्या है इसकी? सर देखें, हमारे हर एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी एक रिवाज चला रहा है कि एक बॉडी बनाई, उस बॉडी की चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए या उसके ऊपर मास्क करने के लिए उसके ऊपर एक और बॉडी बना दी, एक और बॉडी के ऊपर एक और बॉडी बना दी। सर जस्ट हम मास्किंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि सर मास्किंग हो रही है, आस्किंग नहीं हो रही। बिल्कुल सही। मास्किंग हो रही है, आस्किंग नहीं हो रही। जहाँ हाईकोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि जिन्होंने कहा कि अगर आप एक गली में दो घर बिजली का बिल पे नहीं कर रहे, वो पूरी गली की बिजली बंद कर देते हैं, पीएमटी तक उठा के ले जाते हैं। सर हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपने जो बिल पे नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट आपने जो एक्शन लिया है, ना कि पूरी गली की बिजली बंद कर दें। यहाँ तो सर हाईकोर्ट के ऑर्डर की जो है ना वो आपके सामने मौजूदा हालात भी है, मैं इस पर जिक्र नहीं करूंगा। कोर्ट की कोई सुन नहीं रहा ना। सर देखें, अब ये चाहे के इलेक्ट्रिक हो, चाहे नेप्रा हो, या कोई भी बॉडी हो, तो ये अब बाकी आप मेरे ख्याल से ज्यादा डिटेल में बता सकेंगे। देखिए, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, अभी जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें के इलेक्ट्रिक एक उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कस्टमर्स को, एक है प्रोटेक्टेड कस्टमर्स, एक है नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर्स या अनप्रोटेक्टेड कस्टमर्स। उसमें सिलसिला ये कि 200 यूनिट से अगर बिल आपके नीचे है मुस्तकिल 6 माह के लिए कम से कम, तो 7वें महीने में जाके आपको उसमें रिलीफ मिलता है, आपको प्रोटेक्टेड कस्टमर के रेट लगते हैं, जिसमें एक से लेकर अगर 99 यूनिट है तो उसके चार्जेस होते हैं 7 रुपए की यूनिट,
और 100 से लेकर 199 तक है, 199 तक, तो आपको लगते हैं 10 रुपए यूनिट जाता है। लेकिन अगर आप 201 यूनिट पे चले जाते हैं तो यही यूनिट रेट जो 7 रुपए और 10 रुपए अलग अलग लगता है वेरिएबल डिफरेंट स्लैब्स में, वो डायरेक्ट हो जाता है 22 रुपए 14 पैसे फी यूनिट। आपका बिल जो 200 पर या 199 पर 2500 रुपए का था, 201 होते ही वो 7500 रुपए हो जाता नाज़रीन। तो ये क्या वजह है, अब आप मुझे बताएं, आज के दौर में जहाँ टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, फैन, फ्रिज, इस्त्री आयरन करने के लिए, ये बेसिक नेसेसिटी है किसी भी घर की, एसी को हम शामिल नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है, इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, दिन का एवरेज बनता है कि 6.5 यूनिट खर्च करें। आप मुझे बताएं, फ्रिज आपका 2 यूनिट खर्च कर देता है, पंखा आपका 2 यूनिट खर्च कर देता है, अगर आप 2 पंखे ही चला रहे तो 4 यूनिट ही हो गए, बाकी एनर्जी सेवर, माइक्रोवेव, इस्त्री, आप 6.5 यूनिट के अंदर कैसे एक घर चला सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नामुमकिन सा टास्क रखा है प्रोटेक्टेड कस्टमर्स के हवाले से इन्होंने, जो कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड नहीं कर सकता। कम से कम जो प्रोटेक्टेड कस्टमर की कैटेगरी होनी चाहिए वो 300 यूनिट तक होनी चाहिए। उसके अलावा 22 रुपए 14 पैसे तो सिर्फ यूनिट के चार्ज हो, ठीक है, फिर आप आ जाए तो एक नई बल आम पे नाजिल हो चुकी है, यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, उसकी मद में अलग पैसे लिए जा रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट, इसकी मद में अलग पेमेंट हो रही है, फिर उसके बाद आ जाए PHL, ये इन्होंने कोई नया मुतारिफ कराया है, एडिशनल सरचार्ज जो है, वो एडिशनल सरचार्ज इन्होंने मुतारिफ कराया मार्च 2023 में, लोगों से एडिशनल सरचार्ज ले रही है, किस बात का, लोड शेडिंग में कराची के लोगों ने क्या गुना किया, पूरे मुल्क में सस्ती बिजली मिल रही है कंपेयर टू कराची, कराची जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सबसे ज्यादा कराची के ऊपर ही प्रेशर आ रहा है, ठीक सर। यहाँ तो मैंने एक चीज और नोट की है, पिछले दिनों मेरा जाना हुआ मस्जिद में जो चंदा जमा करते हैं, तो उन्होंने उसमें लिखा जी कि इलेक्ट्रिक के बिल के लिए चंदा हो रहा है। सर पहले तामीर मस्जिद के लिए चंदा होता था, अब बिल पे करने के लिए चंदा हो रहा है। हम ये इस्लामी जमहूरिया, सर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बिजली का बिल पे करने के लिए चंदा हो रहा है। और आप सोचें कि एक इबादतगाह का बिल मस्जिद का इमाम किस तरह से पे करेगा, किस तरह से, कोई पूरी कमेटी तो पे नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, दो दो लाख रुपए के बिल है सर, मस्जिद को इस काम के लिए चंदा ही लेना पड़ेगा। अब कितने महीने तक ये सर्वाइव करेंगे, कितने महीने तक मस्जिद सफर करेगी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। बेसिकली रियलिटी ये है कि डाउन द लाइन बिजली मौजूद नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं चाहता हूँ कि हम इसको रैप अप करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इतना यूनिट महंगा क्यों है। यूनिट महंगा होने की वजह यह है कि चोरी, बिजली की चोरी, बिल्कुल बिजली की चोरी पकड़ना आपका मेरा काम है, हमारा काम तो नहीं है, वो जो KElectric है उसका काम है। अगर वो उसमें नाकाम हो चुकी है तो वो जो बिजली के पैसे दे रहे हैं, टाइम से बिल भर रहे हैं और चोरी भी नहीं कर रहे, तो उन्हीं पे ये इल्जाम नाज़िल हो रहा है कि जो बिजली चोरी कर रहा है उसके पैसे भी बिजली के पैसे देने वाला कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा। बिल्कुल, जो शख्स चोरी नहीं कर रहा, ईमानदारी से अपना बिल पे कर रहा है, सारा बोझ उस पे आ रहा है, जो नहीं पे कर रहा और कुंडे चला रहा है उस पे तो कोई बोझ नहीं आ रहा। मेरी एक और रिक्वेस्ट है तमाम आवाम से, कराची के आवाम से, कि खुदा इस बात को समझें कि अगर आपने कुंडा लगाया है अपने घरों के अंदर, ठीक है, तो उस कुंडे से सिर्फ आप अपना फायदा नहीं कर रहे, आप अपने पड़ोसियों का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का नुकसान कर रहे हैं। खुदारा चोरी किसी भी किस्म की हो, चोरी चोरी होती है, चोरी हमारे दिन में आम है, बेशक किसी सूरत इसकी गुंजाइश नहीं है, इस बात को समझें। और मैं चाहता हूं कि जो शरीफ लोग हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं कुंडा, उनको चाहिए वो कुंडे रिपोर्ट करें। अब बहुत हो चुका, हम दूसरे लोगों की वजह से समझ क्यों कर रहे हैं, क्या ख्याल आपका? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, ये हमारा कौमी फरीजा भी है कि अगर कहीं चोरी हो रही है तो हम उस चोरी को रोकें, उस चोरी को रोक नहीं सकते तो उसकी रिपोर्ट करें। हम ऑब्वियसली नहीं रोक सकते वहां पे लड़ाई झगड़ा हो इस तरह की, और हम अथॉरिटी नहीं है किसी को रोकने के लिए, चाहे वो जुर्म ही क्यों ना हो, लेकिन हम रिपोर्ट, बिल्कुल एक माफिया है, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, तो हमें रिपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए जहाँ कहीं हमें, और हमें इस हराम काम से खुद भी बचना चाहिए, लोगों को तलकीन भी करनी चाहिए। चीज है कि मेरे ख्याल से अब ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की तरफ जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसको जो है ना किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, कि अब जरूरी नहीं है कि वो KElectric को रिव्यू किया जाए, KElectric को दोबारा से यही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, रिकॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए।
बल्कि ये चाहिए कि वो किसी दूसरे को मौका दें, क्या पता कि वो इनसे अच्छा काम कर सके। तो जस्ट सर ये आज का बहुत टॉपिक शुक्रिया था। कनन भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, मातुबाना रिक्वेस्ट है हम सब की, कराची के अवाम की, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को कंसिडर किया जाए कि इलेक्ट्रिक के 18 साल को रिव्यू करना चाहिए। पावर जनरेशन में उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की और बिजली की चोरी रोकने में भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। ये बहुत दहरीना मसला है कराची वालों का बिलखसूस, और बहुत परेशानी है इससे लोगों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, जो बीमार ऑफिस हैं ऑफिस जाने वाले ऑफिस हैं, जाने वाले बीमार लोगों हैं, को, बिल्कुल जो बीमार हॉस्पिटल हैं, सर हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल हैं, हैं, बिल्कुल सब परेशान हैं। सब तो परेशान। प्लीज़ इसको कंसिडर किया जाए, और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अगेन बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू अल्लाह हाफिज़। हाफिज।